अगर दोस्तों आप भी अपने मोगरा के पौधे से ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं, जैसे ये देखिए, ये सिर्फ पॉलीथीन में लगा हुआ पौधा, आप देखिए ये पॉलीथीन में लगा हुआ पौधा है, उसके ऊपर फूल देखिए आप कितने ज़्यादा जो फूल हैं वो आ रहे हैं। तो आप अपने मोगरा के पौधे से, अगर आपका पौधा बिल्कुल सूख रहा है तो भी हरा भरा हो जाएगा, और जितने ज़्यादा आप ये मोगरों के पौधों के ऊपर फूल देख रहे हैं इतने ज़्यादा ही फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो आप फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। ये क्या फर्टिलाइज़र है, किस तरीके से आपने बनाना है, वीडियो में आगे मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। और ये जो फर्टिलाइज़र है, ये देने से आपका जो मोगरा का पौधा है, गमले में लगा हुआ मोगरा का पौधा, जैसे ये देखिए, ये मेरे पास तीन मोगरा के पौधे हैं जो गमले में लगे हुए हैं, इनके ऊपर फूल देखिए आप, सबसे पहले तो इनके फूल देखिए। तो ये जो फर्टिलाइज़र है यही मैं इनमें देता हूँ, और दो काम ऐसे आपको बताऊँगा जो आपने करने हैं, जिससे जो आपके मोगरा के पौधे हैं वो अच्छे से फूल देंगे, बुशी भी होंगे, घने भी होंगे, हरे भरे भी हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो वीडियो है वो आपने अच्छे से देखनी है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वीडियो को आगे निकाल कर देखते हैं तो उन्हें अच्छे से नहीं पता चलता, उन्हें पूरी बात समझ में नहीं आती, जिससे क्या होता है कि उन्हें जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं मिलता। तो अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस वीडियो को प्रॉपर देखिए, ताकि आप अपने मोगरा के पौधे से ज़्यादा जो फूल हैं वो ले सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने जो आपने मोगरा के पौधे नर्सरी से लिए हैं उन्हें आपने 12 से 16 इंच के गमले में लगाना है। जैसे जी आपको नर्सरी से इस तरीके से 6 से 8 इंच के गमले में पौधा मिलता है या फिर पॉलीथीन में मिलता है, तो जो सॉइल है वो आपने अच्छी गार्डनिंग सॉइल, साथ में आपने 20% बर्मी कम्पोस्ट ऐड करनी है, और साथ में आपने क्या करना है कि जो कोकोपीट है वो भी आप ऐड कर सकते हैं 20 ग्राम, और अच्छी सॉइल, जिससे क्या होगा कि आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। जैसे आप देखिए ये जो मेरे पौधे हैं वो अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। और दूसरा आपने क्या करना है कि अगर आपके पास पहले से पौधा लगा हुआ है, अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही, तो आपने करना क्या है कि जो कटिंग है अपने पौधे की, प्रूनिंग वो करनी है। अभी भी आप कर सकते हैं, अगर आप अभी प्रूनिंग करेंगे तो क्या होगा कि रिजल्ट अच्छा मिलेगा, न्यू शूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ये देखिए, इस पौधे की भी पहले जो प्रूनिंग है वो की हुई है, इस जगह से आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ से प्रूनिंग की थी और यहाँ से न्यू ब्रांचेस निकली, उनके ऊपर जो फूल हैं वो आना स्टार्ट हो गए। और इसी तरह आप ये देखिए, आपको दूसरा पौधा दिखा देता हूँ, ये देखिए इनकी भी जो हमने कटिंग है वो की थी इन दोनों पौधों की, जैसे ये बुशी हरे भरे और घने, और इनके ऊपर फूल देखिए आप, तो यही रिजल्ट आपको मिलेगा, आपने करनी है प्रूनिंग। और आपने तीसरा काम क्या करना है कि आपने अपने पौधे को रखना है फुल सनलाइट में, जहाँ पर अच्छी खासी जो धूप है वो आती हो। अगर धूप अच्छे से नहीं पड़ेगी तो मोगरा के ऊपर अच्छे फूल नहीं आएंगे, ना ही तो ग्रोथ होगी, ना ही इतने अच्छे जो फूल हैं वो खिलेंगे। तो धूप आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं तो। और मैं बात करूँ वाटरिंग की, तो जैसे कि जो गर्मी है वो स्टार्ट हो चुकी है और आप अपने पौधे को फुल सनलाइट में रखेंगे, तो जो पानी की ज़रूरत है वो हर रोज़ आपके पौधे को पड़ेगी। तो आपने करना क्या है कि जो पानी है वो आपने हर रोज़ एक बार सुबह के टाइम अपने मोगरा के पौधे को देना है, और आपने चेक करना है कि अगर सॉइल बिल्कुल सूख जाती है शाम तक तो आप पानी और दें, अगर आपको लगता है कि सॉइल में काफ़ी नमी है तो आप पानी ना दें। और मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लगे दूसरे दिन कि पानी देने की ज़रूरत नहीं है, गमले में नमी ज़्यादा बनी हुई है, तो आप पानी ना दें, क्योंकि ज़्यादा पानी से जो मोगरा है वो ख़राब होने लगता है, जो पत्तियाँ हैं वो पीली होने लगती हैं। अगर अभी भी आपके पौधे की पत्तियाँ पीली हैं, इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है, तो आप पानी थोड़ा कम कर दें, और जो फंजीसाइड है 1 चम्मच आप 1 लीटर पानी में मिलाकर अच्छे से स्प्रे करें, जिससे क्या होगा कि आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा और जो पत्तियाँ पीली हैं वो सही होना स्टार्ट हो जाएंगी। और दूसरा क्या है कि प्रूनिंग करेंगे तो आप नई ग्रोथ होगी और नई ग्रोथ के ऊपर अच्छी जो फूल हैं वो आएंगे। तो दोस्तों ये तो थी जो आपने केयर करनी है मोगरा की, अच्छी ग्रोथ के लिए, ज़्यादा फूल आने के लिए। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि अगर आप मोगरा का पौधा अपने घर में अभी लगाना चाहते हैं, अभी आपने नहीं लगाया मोगरा का पौधा, तो इस समय आप नर्सरी से परचेज़ कर जो मोगरा का पौधा है वो लगा सकते हैं। आपको मोगरा का जो पौधा है वो 50 रुपये से लेकर 100-150 की रेंज में मिल जाएगा। तो अब मैं बात कर लेता हूँ फर्टिलाइज़र की, आपने फर्टिलाइज़र क्या देना है। तो फर्टिलाइज़र देने से पहले आप एक बात और ध्यान में रखें, आपने करना क्या है कि जो आपका गमला है,
अगर 8 इंच का गमला है या फिर 10 इंच का गमला है, सबसे पहले आपने जो गुड़ाई है वो करनी है। गुड़ाई करने से क्या होता है कि जो आपके गमले की सॉइल होती है वो थोड़ी सी नरम रहती है, सॉफ्ट रहती है, जिसमें क्या होता है कि जो पौधे की रूट्स होती हैं वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करती हैं। अच्छे से ग्रोथ करेंगी तो ही आपका पौधा अच्छे से चलेगा। अगर रूट्स ही ग्रोथ नहीं करेंगी तो आपका पौधा घना भी नहीं होगा, आपके पौधे के ऊपर जो फूल हैं वो भी नहीं आएंगे। तो ये जो बात है वो आपने पूरी ध्यान में रखनी है ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए। जैसे ही आप गुड़ाई करेंगे तो आपने क्या करना है कि 1 से 2 घंटे के लिए जो मिट्टी है उसे धूप लगनी चाहिए। 1 से 2 घंटे के लिए धूप लगेगी तो क्या होगा कि अगर उस मिट्टी में फंगस वगैरह है तो धूप लगने से वो दूर हो जाएगी, फंगस वगैरह ठीक हो जाएगी और आपकी मिट्टी बिल्कुल सूख जाएगी तो वह फर्टिलाइज़र दें। तो चलिए अभी मैं बात कर लेता हूँ फर्टिलाइज़र की। तो आपने क्या करना है कि एक तो मंथ में एक बार आपने वर्मी कंपोस्ट या फिर जो गोबर की खाद है, अगर दोनों में से कोई नहीं है तो लीफ कंपोस्ट होगी या फिर जो किचन वेस्ट होती है हमारी उससे हम खाद तैयार करते हैं, वो आप मंथ में एक बार जो है वो 20 से 40 ग्राम दे सकते हैं। और दूसरा क्या है कि ये जो मैंने फर्टिलाइज़र बनाया जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, तो दोस्तों ये है सरसों की खरी से बना हुआ फर्टिलाइज़र जो लिक्विड फॉर्म में है। तो आपने करना क्या कि जैसे ये देखिए ये मेरे पास पूरा बना हुआ है, तो आपने 1 लीटर पानी में 20 से 30 ग्राम जो सरसों की खली है जिसे मस्टर्ड केक बोलते हैं वो आपने ऐड करना है। 2 दिन के बाद आपका जो ये फर्टिलाइज़र है वो इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। तो उसमें से आपने क्या करना है कि 40 ml, जैसे कि ये 40 ml है तो 40 ml आपने एक गमले में अच्छे से दे देना है। इससे क्या होगा कि आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। इसमें जो न्यूट्रिशन आपके पौधे को चाहिए वो टोटली न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे कि पोटास, नाइट्रोजन। जैसे पोटास से क्या होता है कि मैं आपको बता देता हूँ कि फूल ज़्यादा आते हैं, पौधे को पावर मिलती है, और नाइट्रोजन से पत्तियाँ ग्रीन रहती हैं। और जो फास्फोरस होता है उसमें फास्फोरस भी काफ़ी मात्रा में होता है, तो फास्फोरस से जो पौधे की रूट्स होती हैं वो अच्छे से ग्रोथ करती हैं, जिससे आपका पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। तो दोस्तों मोगरा से ज़्यादा फूल लेने के लिए ये जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया ये आप मंथ में एक बार दे सकते हैं, और कोई भी तेज़ केमिकल फर्टिलाइज़र आपको देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने ये जो फर्टिलाइज़र है वो देना है। और दोस्तों शॉर्ट में मैं आपको और बता देता हूँ कि पानी का ध्यान रखें, दूसरा प्रूनिंग करें, ग्रोथ अच्छी होगी। और गमले का जैसे ही आप साइज चेंज करें या गमले से आप पौधा शिफ्ट करें, रीपोर्ट करें पौधे को, तो गमले का साइज अच्छा लें तो आपका पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। कभी भी मोगरा के ऊपर जो फूल हैं वैसा नहीं होगा कि नहीं आएंगे, फूल बहुत अच्छे से आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वाइट टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।